चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनाव के बाद मंथन और सीटवार मंथन का दौर, जिसकी जानकारी आपको दी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस समय जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या अपडेट है इस बैठक से, क्योंकि लगातार इन सीटों पर मंथन चल रहा था, लेकिन अब कोई अपडेट अंदर से और आ रही है क्या? सबसे बड़ी अपडेट ये है कि बैठक जो है वो सुबह से चल रही है और हो सकता है कि रात 10 बजे तक इस बैठक का सिलसिला जारी रहे और बैठक कल भी चलेगी। बैठक अंदरूनी बैठक है, यहाँ से सिर्फ अंदर की खबरें कुछ देर बाद बाहर आती हैं और स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोग बैठते हैं तो खबरें बाहर भी आती हैं। यहाँ पर जिन सीटों को लेकर मंथन किया गया उनमें महत्वपूर्ण सीटें जहाँ पर हार मिली, टोंक सवाई माधोपुर को लेकर मंथन हुआ, सीकर को लेकर मंथन हुआ, झुंझुनू को लेकर मंथन हुआ, नागौर को लेकर मंथन हुआ, बाड़मेर को लेकर मंथन हुआ, और हालांकि जो सीट जीती उनमें अजमेर को लेकर जीती हुई सीट में अजमेर को लेकर भी मंथन हुआ है और हारी हुई में नागौर को लेकर मंथन हुआ है। इस मंथन का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जो कमियाँ रही उन कमियों को किस तरीके से सुधारा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। उपचुनाव भी सामने के तौर पर चुनौती के रूप में है, क्योंकि अब और जब उपचुनाव होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थितियां ना हो उसे लेकर सरकार पूरी तरीके से केंद्रित रखती है अपने आप को, तो इस तरीके की स्थिति ना बने, कोई किसी कार्यकर्ता में नाराजगी ना हो। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन सीटों को हारा गया और उन्हें जीता हुआ मान रहे थे उनके हारने के क्या कारण रहे, क्या कार्यकर्ताओं में कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही या अंदरूनी तौर पर कई बार नेताओं में आपसी मनमुटाव, मनभेद या मतभेद जो भी कहा जाए ऐसी स्थितियां बन पड़ती है, तो उनकी क्या कोई स्थितियां रही। चूरू को लेकर यहां पर विशेष तौर पर चर्चा हुई, चूरू को लेकर कई तरीके के सुझाव और बातें आई। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज यहां इस बैठक में नहीं आ पाए, उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम माउंट आबू सिरोही का था तो वो इस बैठक में अनुपस्थित रहे, लेकिन ऐसे माहौल में जब वो अनुपस्थित रहेंगे तो सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि जब वो एक बयान पहले दे चुके थे तो लोगों को या कहा जाए तो कांग्रेस को प्रतीक्षा है, कांग्रेस बार बार ट्वीट भी करती है उनके पुराने बयान को लेकर। यहाँ पर ये चीज़ देखी जाएगी कि जब राजनीतिक नियुक्तियाँ होंगी या संगठनात्मक तौर पर नियुक्तियाँ होंगी तो उन नियुक्तियों में किन्हें वरीयता दी जाए, और जिन्हें अब तक नियुक्ति दी गई है क्या ऐसे नेताओं को लेकर पार्टी के दूसरे नेताओं ने अपने आप के बारे में जब सीट को लेकर बातचीत हुई थी, मिसाल के तौर पर सीकर को देख लीजिए, तो क्या स्वामी सुमेधानंद ने, प्रेम सिंह बाजौर उस क्षेत्र के हैं, उनकी किस कदर या जबरदस्त तरीके से उन्होंने संगठन को लेकर मेहनत की, उसे किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया होगा, या फिर सीआर चौधरी को लेकर किस तरीके से प्रेजेंटेशन रहा होगा, ओम प्रकाश भड़ाना को लेकर राजनीतिक नियुक्ति हुई उन्हें लेकर किस तरीके का प्रेजेंटेशन रहा होगा, क्योंकि जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां मिलती है तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उस क्षेत्र में कितने वोट बढ़े हैं और जो बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में गए उन बड़े नेताओं ने कितनी मेहनत की, कौन सी जाति के वोट छिटके और क्या कारण रहा, क्या प्रशासनिक तौर पर कोई कमी रह गई या प्रशासन में वही पुराने लोग लगे हुए थे जो कभी कांग्रेस सरकार में थे, या वो लोग बदले नहीं गए या फिर वही लोग ठीक हो गए सरकार बदलने के साथ, ऐसे भी कई सवाल आते हैं। या फिर सवाल ऐसे आते हैं कि क्या कोई ऐसी व्यापक समस्या तो नहीं थी जिन समस्याओं को लेकर वोट कम हुए, या फिर कांग्रेस के जातिगत तौर पर कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी और जातियों के रूप में अपनी एक संतुलित करने की स्वयं को कोशिश की और कांग्रेस जो शून्य पर थी, शून्य से कांग्रेस विजय हासिल करते करते भाजपा से काफी कहा जाए तो शून्य से काफी आगे पहुंची है। हालांकि गठबंधन रहा, बांसवाड़ा का गठबंधन था, सीकर का गठबंधन था, नागौर का था, तो ये तमाम बिंदु विचारणीय है। मुख्यमंत्री की जब यहाँ उपस्थिति है तो ये भी तय मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में जो राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो राजनीतिक नियुक्तियों में किस तरीके के चेहरे होंगे, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, जिन्होंने
जिन्हें दायित्व जो दिया गया वो दायित्व मिलने के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें सराहा है, ऐसे लोगों को क्या वरीयता दी जाएगी? या फिर जब मुख्यमंत्री यहां मौजूद है तो मुख्यमंत्री के सामने चीज ये भी आएगी कि प्रशासनिक तौर पर स्थितियां क्या रही। जब सरकार सत्ता में आई तो अमूमन जब सरकार सत्ता में आती है तो कई तरीके की उम्मीदें होती हैं, तो क्या कहीं आचार संहिता लगने के बाद प्रशासनिक तौर पर कार्यकर्ता की या फिर प्रशासन के लोगों की के बीच में ऐसी कोई स्थिति बनी जिसे लेकर कार्यकर्ता में कोई नाराजगी रही? ऐसी कोई स्थिति तो नहीं रही, या कार्यकर्ता पूरी तरीके से संतुष्ट रहे? ऐसे एक एक विषय को लेकर बातचीत की जाएगी। यही कारण है कि भजनलाल सरकार का जब अब बजट पेश किया जाएगा तो बजट में कहीं कोई कमी ना रहे, इस पर ध्यान रखा जाएगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री हर एक तबके से संवाद भी कर रहे हैं, विधायकों से लगातार सतत संवाद कर रहे हैं, और उनके अलावा आम जन से भी सुझाव लेना यहां पर लेने की कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे, और कहीं किसी क्षेत्र में शिकायतें हैं उन शिकायतों के निराकरण भी करने की कोशिश की जाएगी। जैती एक चीज और महत्वपूर्ण होती है, कई बार प्रशासनिक तौर पर कई चीजें प्रशासन को ठीक लगती है तो दूसरी तरफ संगठन के लोगों को या बड़े नेताओं को वो प्रशासनिक तौर पर चीजें ठीक नहीं लगती, क्योंकि कई बार नेता इस चीज को भी देखते हैं कि क्या अमुक फैसले से वोट घटेंगे या बढ़ेंगे, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी होता है वो सामान्य तौर पर अपने लिहाज से सोचने की कोशिश करता है, और नेता जो होते हैं या जो अपनी नेतागिरी में या अपने दायित्वों के साथ मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, वो अपने अनुभव का समावेशन करने के साथ अपने पुराने अनुभवों को समावेशन करने के साथ उन सलाहों को देते हैं, बताते हैं कि ये बेहतर हो सकता है, यहाँ हमें हमारे वोट बढ़ सकते हैं, यहाँ घट सकते हैं इस फैसले से, ऐसी बातें भी सामने आती है। तो अब आज की इस बैठक में कई चीज़ें सामने आएंगी, पॉइंट्स बनाए जाएंगे और उन पॉइंट्स के साथ में पुरानी जो कमियां रह गई है उन्हें सुधारने की कोशिश की जाएगी, और नई रणनीति के साथ और जो आगामी चुनाव है जिनमें उपचुनाव है, उपचुनाव के अलावा पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, इन पर फोकस भी रखा जाएगा। आज की इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूर्व में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनमें वी सतीश है, विजय राहटकर है, विनय सहस्त्रबुद्धे है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार यहाँ जुटे हुए हैं, कल भी वो यहाँ पर आ गए थे, कल भी प्रदेश कार्यालय में बैठे, और सीपी जोशी को लेकर कई तरीके की चर्चाएं थी, चर्चाएं कही गई कि हो सकता है कि सीपी जोशी को बदल दिया जाए, लेकिन ऐसी खबरों पर विराम लग गया है, क्योंकि सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी में 3 साल का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल होता है और ऐसी अब कोई स्थिति नहीं, अभी चुनाव भी नहीं दूर दूर तक, तो ऐसा फैसला किया जाए तो मुझे जो लगता है आज की उनकी ऊर्जा को 2 दिन से जो लगातार जुटे हुए उसे देखकर, क्योंकि अमूमन कई बार मन में संशय पैदा होने लगता है कि भाई जब मैं जा रहा हूं तो फिर ठीक है मैं मेरे हिसाब से करूं, तो संभवतया उनका संशय दूर करने की आलाकमान ने कोशिश कर दी होगी या संशय भी दूर कर दिया होगा, क्योंकि कई बार संशय जैसी स्थितियां कार्यकर्ताओं में भी हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि यार अध्यक्ष तो बदल रहा है तो हो सकता है कि दूसरे अध्यक्ष के साथ काम करने का मौका मिले, लेकिन ऐसी चीजों पर अब विराम लग गया है। अमूमन चुनाव के बाद या किसी भी सरकारों में भी इस तरीके की चर्चा चलती है, मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक चर्चा चली कि कई मंत्रियों के विभाग बदल जाएंगे, परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं है उनके विभाग बदल दिए जाएंगे, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है, या किसी और जो जातियां रह गई उनका समावेशन किया जा सकता है। ये जो घटनाएं हैं ये परिलक्षित सामान्य तौर पर होती है, लेकिन जब सामने चीजें आती है तभी पता लगता है, लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण है जैती। इस बैठक को महत्वपूर्ण बैठक इसलिए माना जा सकता है कि आला कमान के केंद्रीय नेतृत्व के दूत हैं ये जो तीनों हैं, जिनमें वी सतीश हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे हैं और विजय राहटकर हैं। जब ये यहाँ से लंबी बैठक करके जाएंगे तो यहाँ पर भजन सरकार को भी या संगठन की ओर से जो सुझाव आए हैं वो देने की कोशिश की जाएगी, और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व स्वाभाविक तौर पर सवाल करेगा, क्योंकि यही पूरी टीम थी जिनके कंधों पर भार था। जब 25 की 25 सीटें जीते जाने की बात हो रही थी तो यही विनय सहस्त्रबुद्धे थे, वी सतीश थे, सीपी जोशी थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी थे, ये पूरे सभी नेता हैं, इनके कंधों पर भार था, तो अब कारण भी ये गिनेंगे। हालांकि सीटें राजस्थान में ही नहीं घटी है, पूरे देश भर का अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सीटें घटी है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी सामने है और अन्य राज्यों की स्थितियां, हालांकि कई राज्यों में बहुत अच्छी सीटें भी आई है और रिकॉर्ड भी बने हैं, तो तमाम विषयों को लेकर चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। जयती
बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हो और आत्मचिंतन सभी के लिए एक अवसर का द्वार ही खोलता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो बिंदु है वो प्रदेश की जनता के लिए भी और राजनीति के लिए भी स्वच्छ साबित हो। शुक्रिया ऐश्वर्या।